कुछ नामों को तो पत्रिका की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो तो बने ही एक साथ होने के लिए होते हैं। जैसे राधा मोहन, सीताराम, वैसे ही शिव शक्ति। पहले मुझे लगता था कि समय मेरे हिसाब से चल रहा है, पर अब ऐसा लगता है कि वक्त मेरे खिलाफ चल रहा है। मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ती जा रही है लड़की शक्ति। शक्ति? हाँ, उस लड़की का नाम है शक्ति शर्मा। शक्ति, हर हर महादेव, शिव शंभो, हर हर महादेव। आप हंस क्यों रहे हैं? मंदिरा जी, कभी कभी तो लगता है आपसे बुद्धिमान कोई है ही नहीं, और फिर दूसरे ही क्षण ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। याद करिए, उस दिन हमने आपसे घाट पर क्या कहा था। शिव की शादी तो होकर रहेगी, तुम्हारे जीवन में कदम रखने ही वाली है, और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी। पुर्णेंदु जी, मुझे लगा था कि आप कोई उदाहरण दे रहे हैं कि कोई ऐसी लड़की आएगी जो कि शक्ति का प्रतीक हो। मुझे क्या पता था कि आप ये कह रहे हैं कि उस लड़की का नाम ही शक्ति होगा। नाम भी शक्ति होगा और काम भी शक्ति होगा। इस युद्ध का आरंभ भी शक्ति ही करेगी और अंत भी शक्ति ही करेगी। आपका भविष्य आपकी आंखों के सामने था और आप देख नहीं पाए। इसे मूर्खता नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं मंदिरा जी? पुर्णेंदु जी, ये तो आप भली भांति ही जानती हैं ना मंदिरा जी, कि जिन लोगों की कुंडली नहीं होती उनके पुकारे जाने वाले नाम से ही उनकी लग्न पत्रिका को मिलाया जाता है। और कुछ नामों को तो पत्रिका की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो तो बने ही एक साथ होने के लिए होते हैं। जैसे राधा मोहन, सीताराम, वैसे ही शिव शक्ति। शिव शक्ति, शिव शक्ति। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।